कैसे आप लोग, मैं हूँ ललित। तो स्वागत है आपका ललित टेक्स में। दोस्तों आज के वीडियो में आप हम जानेंगे कि दोस्तों पहले आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना शुरू कर दी गई है और इसके आवेदन भी अब स्टार्ट हो चुके हैं। वो सारे फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और कुछ टाइम बाद उनके अकाउंट में पैसे भी आने स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि ये ओनली महिला के लिए एक योजना है, लेकिन मैं आपको स्पेशली बता दूँ कि अब महिला के साथ युवाओं के लिए भी एक योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा लॉन्च कर दी गई है। ये योजना अभी फिलहाल लॉन्च कर दी गई है। अब इसका जो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे हमें इससे क्या फ़ायदा होगा और इस योजना के अंदर क्या है, इसमें हमें क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा, इसकी पूरी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना है, नहीं कहीं छोड़ के जाना है। अगर वीडियो को आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को पूरा देखना है और एंड तक देखना है। और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। अगर इसके बारे में आपको जानना है कि इसमें क्या है, क्योंकि आप ओनली आप देख सकते हो उस फोटो में कि इसमें लिख रखा है मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। इसमें लिख रहा है बेरोजगार युवाओं को मिलेंगे 8,000 प्रतिमाह, कैसे होंगे आवेदन, जानने पूरी जानकारी। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ये जो पोस्टर है आपको जो भी दिख रहा है ये ओनली सही साइड है कि ये जो लिख रखा है ऐसा इस योजना के अंदर है। अब हमें कैसे पता चलेगा, जहाँ तक हम डिटेल नहीं जानेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको पूरा वीडियो को एंड तक देखना है। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो सब चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों चलते हैं देखते हैं और इस योजना के बारे में जानकारी निकालते हैं। मेरे नौजवान बेटो बेटियों, हमने एक योजना बनाई कि हम अलग अलग कंपनियों में बच्चों को काम सीखने भेजेंगे। केवल कंपनी नहीं, सर्विस सेक्टर में भी भेजेंगे। अलग अलग प्रकार के जितने प्राइवेट सेक्टर होते हैं सब में काम सीखने के लिए भेजेंगे बच्चों को। तो वो काम सीखने जाएगा और काम सीखने के बदले, क्योंकि खर्चा तो सीखने के दौरान भी चाहिए ना, तो उन बच्चों को मामा 8,000 रुपया महीने देगा। 8,000 रुपया महीने हमारे बच्चों को बेरोजगारी भत्ते की नहीं, काम की जरूरत है। मैं बच्चों को काम सिखाऊंगा। लर्न एंड अर्न, करो सीखो और कमाओ। इस योजना के बारे में मुख्यमंत्री चौहान शिवराज ने खुद बताया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिख रखा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना शुरू की है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 23 मार्च 2023 को भोपाल में आयोजित एमपी यूथ महापंचायत 2023 में मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना की घोषणा की गई है। में एमपी सीएम युवा कौशल कमाई योजना के द्वारा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग के साथ साथ हर महीने 8,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो शिवराज सिंह चौहान ने खुद ही इस योजना को लागू किया, जिसमें सभी युवाओं को इस योजना से हर महीने 8,000 रुपये मिलेंगे। बता दूँ कि अगर आप इस योजना का आवेदन करते हो, अप्लाई करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, आपको क्या फ़ायदा होगा। इसमें स्पेशल लिख रखा है युवा को ट्रेनिंग के दौरान सरकार द्वारा भी मिलेगी आर्थिक सहायता। आपको जो ट्रेनिंग मिलेगी वो फ्री में नहीं मिलेगी, आप जो ट्रेनिंग का लाभ उठाओगे ट्रेनिंग के साथ आपको पैसा भी मिलेगा। तो आप देख सकोगे इसमें लिख रखा है युवा कौशल कमाई योजना के जरिए प्रदेश के युवाओं को अलग अलग कंपनियों में ट्रेनिंग के द्वारा 8,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रति महीना प्रदान की जाएगी। ट्रेनिंग के साथ आपको 8,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। और उसमें और भी कुछ लिख रखा है कि युवा को ट्रेनिंग अलग अलग कंपनियों में 1 साल तक प्रदान की जाएगी। कोई सी भी कंपनी हो, छोटी से बड़ी कंपनी हो, आपको हर कंपनियों में 1 साल तक कंपनी में ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के साथ आपको हर महीने पैसे भी मिलते रहेंगे। मतलब राज्य के जो भी लाभार्थी रोजगार प्राप्त करने हेतु तो अलग अलग कंपनियों में कौशल प्राप्त करने के लिए जाएंगे, जो भी युवा कौशल प्राप्त करने के लिए जाएगा उसको साल साल भर आप समझ लो कि आपको 8,000 रुपये मिल रहे हैं, तो आपके पूरे साल के 96,000 रुपये प्रति वर्ष मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तो आपको इस योजना से ये फ़ायदा होने वाला है कि आपको ट्रेनिंग के लिए सिखाने के लिए भेजेंगे अलग अलग कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों में, उसके साथ आपको हर महीने 8,000 रुपये अलग मिलेंगे, ये सरकार द्वारा मिलेंगे। और अगर आप उस कंपनी में काम करते हो वो कंपनी अलग आपको पैसा देगी, तो आपके लिए तो फ़ायदा ही है। तो जल्दी से हमको अप्लाई करो। बता देता हूँ, जैसे कि आप आईटीआई वगैरह कुछ भी करते हो, आप गवर्नमेंट आईटीआई करते हो या फिर प्राइवेट आईटीआई करते हो, आपको जो ट्रेड मिलने रहते हैं क्या आप उस ट्रेड में जाना चाहते हो, तो ऐसे इस योजना के अंदर भी ऐसे ट्रेड है। यहाँ लिख रखा है कि युवा कौशल कमाई योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग प्राप्त करने के क्षेत्र, आपको जो भी ट्रेनिंग लेनी है, जो ट्रेड आपको पसंद करना है, आप उस ट्रेड के जरिए आप उसमें आप ट्रेनिंग दे सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर पहला इंजीनियरिंग है,
दूसरा बैंकिंग क्षेत्र, होटल मैनेजमेंट, मीडिया मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चार्ट अकाउंटेंट, सी आदि। ये इतने सारे आपके पास ट्रेड हैं, आप इसमें जो आपका पसंदीदा, आपको जिसमें जानना है, जिस ट्रेड में आपको इस योजना का फ़ायदा उठाना है, जिसमें आपको ट्रेनिंग का लाभ लेना है, आपको जिसमें इंटरेस्टेड है, तो आप उसमें जाकर अब इस ट्रेड को चुन सकते हैं। पहले हमने जानकारी तो ले ली दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँगा कि आपकी क्या मेहनत होनी चाहिए, कि आपने कौन सी पढ़ाई कर रखी है, या फिर आपने शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, जो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो आपसे मांग रहे हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, उसकी जानकारी देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख रखा है मध्य प्रदेश युवा कौशल कमाई योजना के लिए पात्रता। सबसे आप देख सकते हो कि आवेदक को मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। अब मध्य प्रदेश को होंगे तभी आप इस योजना का लाभ उठा पाओगे। सेकंड लिखा था राज्य के बेरोजगार जो युवा शिक्षित हैं, वो उन्हें रोजगार नहीं मिला, वे सभी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हों। जो लोग बेरोजगार हैं, जो शिक्षित हैं, लेकिन उसको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा, कौन सी भी योजना अभी तक उन्होंने कभी अप्लाई नहीं की और उनको अभी तक लाभ नहीं मिला हो, तो उसको ये योजना अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें लिख रखा है आवेदक की आयु 15 से 29 वर्ष होनी चाहिए। 15 से 29 वर्ष होगी तभी आप इस योजना को अप्लाई कर सकेंगे और रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। आप देख सकते हो कि इसमें लिख रखा है लाभार्थी कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। 12th पास रिजल्ट होगा, मार्कशीट होगी, तब आप इस योजना को फॉर्म सबमिट कर सकेंगे। और इसमें लिख रखा है आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। जो भी आप फॉर्म अप्लाई करेगा उसका बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। अब दोस्तों अब हम जानेंगे कि फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देने होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिख रखा है मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, स्थायी प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस योजना को कब से आप इसको फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि 1 जून से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। 1 जून से ये योजना 23 मार्च को लॉन्च कर दी गई है, लेकिन इस योजना को अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 1 जून का इंतजार करना पड़ेगा। 1 जून से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और 1 जुलाई से आपके अकाउंट में 8,000 रुपये आना स्टार्ट हो जाएगा। और ट्रेनिंग सेंटर जो भी आपके जो भी गांव शहर है वहां पर आप ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम आप जाकर वहां पर तलाश कर सकते हैं, वो खुद आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।